नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम वापस से पीरियोडिक टेबल के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके पिछले ही लेक्चर में मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर 20 एलिमेंट बता दिए थे। आज के वीडियो में हम 20 एलिमेंट और पढ़ेंगे। 20 उधर 20 इधर 40 एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद नए वीडियो में 20 और बना के दे देंगे। फिर टोटल हमारा 100 होने के बाद फिर हम 1 से 30 तक का एलिमेंट पढ़ लेंगे। आप लोग को मजा तो आ रहा है ना, अगर नहीं तो नीचे कमेंट करिए, और हाँ तो भी कमेंट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे पता चलेगा कि ये टेक्निक बराबर है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मुझे आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। तो नीचे कमेंट इसीलिए दिया गया रहता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और एक चीज, आपको ये डिफिकल्ट लगता होगा, क्यों मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पहले तो वर्ड सोचो, वर्ड के बाद उसका वर्ड बनाओ, उसको कनेक्ट करो किसी से। ये चीजें बहुत सिंपल है, आप हमारी माइंड के पावर को नहीं जानते। हमें क्या, आप नहीं, कोई नहीं जानता। माइंड में इतना ज्यादा पावर है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते, बिलीव भी नहीं कर सकते। आप देखिए, अभी मैंने वर्ड कौन सा बोला, बिलीव, भरोसा। तो बिलीव से क्या निकलता है, ग्रैमी अवार्ड ना, ग्रैमी अवार्ड मैंने आपको पढ़ाया था। तो गर्मी मुंबई में इतनी ज्यादा है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। सोचिए किस तरह से ये वर्ड से मुझे ग्रैमी अवार्ड याद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो कितनी चीजें आसान होती हैं, बहुत ज्यादा आसान होती हैं। आप इसको बेवजह डिफिकल्ट मत समझिए। बात रही इन वर्डों की, वर्ड को बनाने की, तो मात्र आप सिर्फ 2 से 3 बार पढ़िए, एक बार लिख के निकाल लीजिए, भूल गए तो मैं अपना नाम हार दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट ब्रेन में चीजें बहुत फटाफट जाती हैं। आप ये जो क्रिएटिविटी कर रहे हो इस वर्ड से वर्ड बनाने के लिए, नंबर से वर्ड बनाने के लिए, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। और एक चीज, आपने जिस दिन इस वर्ड को फटाफट बना लिया 100 के 100 माइंड में, उस दिन समझ जाना पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। आप दिन में सुबह उठने के बाद एक बार देख लीजिए, रात को सोने के बाद एक बार देख लीजिए। जिस तरह से आप दवा 2 बार खाते हैं उसी तरह इसको 2 बार देखिए। मात्र 3 दिन के अंदर आपका ये माइंड सेट हो जाएगा, मात्र 3 दिन के अंदर। अगर आप एक ही दिन में करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। मात्र 1 घंटे के अंदर पीरियड टेबल आप कर सकते हो। मैंने मात्र 1.5 घंटे के अंदर पूरा पीरियड टेबल याद किया था, विश्वास नहीं होगा, मात्र 1.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि मुझे चीजें यहाँ से ये पहले से पता थी। मुझे ये चीजें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो मेरा पहले का बेसिक था मैं उसको बहुत ज्यादा क्लियर किया हुआ था। फटाफट वर्ड से नंबर से वर्ड बनाते गया, जैसे जैसे वर्ड्स बनते गए उनको रिलेट करते गया, और फिर फटाफट मुझे याद होता गया। आप अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए आपका भी फटाफट कैसे क्लियर होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले पहला वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो पे आइए, एंजॉय करिए वीडियो को और समझते चले जाइए। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला 51 से लेके 60 तक, दूसरा 61 से लेके 17 तक, ये एलिमेंट पे ध्यान देना ही नहीं है, हमको एलिमेंट पढ़ना ही नहीं है। हम कान सीधा नहीं पकड़ेंगे, घुमा के पकड़ेंगे, पकड़ना कान ही है, हमको याद एलिमेंट ही करना है, बट हम घुमा के याद करेंगे। देखिए किस तरह से 51, पहले हम वर्ड फटाफट लिख लेते हैं। 51 होता है L, 1 से होता है T और D, तो यहां से बन गया लड्डू, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम लेंगे 1 ही, क्योंकि हमारा ये रूल ही वही है कि जब भी 2 वर्ड 1 ही नंबर के मिल जाए तो हमको उसको 1 ही काउंट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे लड्डू हो गया, यहाँ पे एल होता है, यहाँ पे एन होता है, तो मैं इसको लायन बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एल है तो एल लिख दिया, यहाँ से एम होता है तो मैं लायन बना सकता हूँ। लैम का मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, लैम का मतलब होता है लंगड़ा। नेक्स्ट, आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो वर्ड्स मैं लिखता हूँ इसके पहले भी ये सारे वर्ड्स मैं इसी से रिलेट करा के याद कर चुका हूँ। इन सारे वर्ड को मैं इसी वर्ड लिख के पिछले जितने मेरे वीडियो आप देखेंगे तो ये सारे वर्ड आपको बहुत जगह सेम से मिलने वाले हैं। आप यहाँ पे 55 देख रहे हैं, यहाँ पे लालू ही आने वाला है। मैं नंबर्स को अभी, मेरा टेक्निक गया, मैं नंबर्स को याद नहीं करता हूँ कि 5 को L बोलते हैं तो कौन सा वर्ड बनेगा, क्योंकि मुझे नंबर देखने के बाद तुरंत चीजें याद आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे लड्डू दिया हुआ है, 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है, L और 4 दिया हुआ है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा L है और यहाँ पे आ रहा है तो हम लारा बना सकते हैं, लारा दत्ता। ठीक है, फटाफट बनाना है आपको। यहाँ पे 56 दिया हुआ है, 56 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे L दिया हुआ है तो अब यहाँ पे L दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 दिया, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, लोज। ठीक है, L और 6 से J, लोज की स्पेलिंग होती है ये, बट हमको लोज पढ़ना है ये। ठीक है, लॉज, जो हमारा लॉज होता है। यहाँ पे 2 चीजें अभी भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आप कमेंट करोगे। लॉज की स्पेलिंग ये होती है, बट हमको लॉज यहाँ पे ये पढ़ना है। मात्र 1 से लेके 100 तक इसमें 3 से 4 वर्ड ही ऐसे हैं जिसमें हमको स्पेलिंग रॉन्ग करके पढ़नी है। इससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप दोनों पढ़िए, जब आप पढ़ते हैं तो आप दोनों याद करिए कि लॉज की स्पेलिंग तो ये होती है, बट लॉज हमको यहाँ पे ये पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट पे दिया है 57, 57 से क्या बनता है, लॉग बनता है, जबकि दो दिया है हमको काउंट एक ही करना है। एक आपने एक बात तो सुनी होगी, जब कोई चीज एक ही बार हम बार बार रिपीट करते हैं तो चीजें हमको बहुत जल्दी याद हो जाती है। यहाँ पे भी वही है, 57 एल से और सी के से लॉक हो गया और फिर डबल बार दिया है तो हम इसको लेंगे एक ही बार। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो ये बन जाएगा लव, क्यों, आर से वी होता है, 5 से एल होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, यहाँ पे लैब बन गया, 9 से बी और पी होता है लैब। आप एक चीज करिए पहले, फटाफट कोई चीज इतनी जल्दी नहीं आती है, और ये तो आ जाएगी इतना तो मैं गारंटी रखता हूँ। बट अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देखिए, मात्र 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जब आपको नंबर से किसी भी वर्ड से नंबर बनाने आ गया, नंबर से वर्ड बनाने आ गया, मात्र समझ लेना आपका 60-80% काम खत्म। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए लैब बन गया। अब यहाँ पे मैंने चेज बना दिया, देखो कितना फटाफट बन रहा है, 6 से सी एच होता है और एस से 0 से जेड और एस होता है, तो मैंने वहां से एस उठा के चेज बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पे सी एस दिया हुआ है तो मैं इसको जेड बना सकता हूँ, टी और डी बन हो गया जेड, और यहाँ पे क्या बन सकता है, मैं गन बना सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी रिसेंट नहीं बना रहा हूं, आप सोचते होंगे मैं रिसेंट बना रहा हूं, मैं रिसेंट नहीं बना रहा हूं, मुझे चीजें पहले से ही पता है कि इस नंबर पे कौन सा वर्ड बन सकता है, मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड को अपने माइंड में रखा हुआ है। ठीक है, अब आप कभी भी मुझे कोई भी नंबर्स पूछिए, मुझे उस नंबर्स के ऐसे नहीं सोचने पड़ते कि उस नंबर का क्या बना था, क्या बनना था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिए, इस टेक्निक में आपको मैं जितनी भी टेक्निक स्टार्टिंग से मेरे मेमोरी ट्रेनिंग में जितनी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, किसी भी ट्रिक में आपको पेन बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये इस ट्रिक की खासियत है। और एक ही ट्रिक सभी जितनी भी ट्रेनिंग मैंने कराई है, आपको जितनी भी ट्रिक्स बताई है, एक ही ट्रिक से बताई हुई है, वो चाहे हिस्ट्री डेट हो, चाहे हमारा रिवर डैम हो, चाहे ये हो पीरियड टेबल हो, और चाहे कैलेंडर हो, कुछ भी हो, मैं एक ही ट्रिक से सारी चीजें सॉल्व करा रहा हूँ, यही खासियत है इस ट्रिक की, एक ही ट्रिक में सारी चीजें रखी हुई हैं। आप जिस इन ट्रिक को अच्छे समझ गए, चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाएंगी। 6 और जी दिया हुआ है तो यहाँ पे हम इसको जैम बना सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो इसको जार बना सकते हैं। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे जेल बना सकते हैं। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो इसको हम 6 दिया हुआ तो इसको क्या बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 तो अब यहाँ पे 2 वर्ड आपको साथ में रखनी है, तो यहाँ पे आप चाचा भी बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, सी एस तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 67 पे क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, चेक मतलब चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 से आप जी बना सकते हो, यहाँ पे एफ बना सकते हो, वी एट का वी और एफ होता है तो यहाँ पे जी एफ बन गया। नेक्स्ट 69 दिया हुआ है, 69 का क्या बना सकते हो, जी बना सकते हो और इसको केस बना सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है और इसको आपको सॉल्व करना है। और एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है और आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 11th और 12th में पढ़ता है या 11th में जाने वाला है, प्लीज उसको शेयर कर दीजिए, आपके लिए नहीं तो एटलीस्ट उसके लिए तो वो काम करेगी। और 11th 12th में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि नंबर के साथ में आपको एलिमेंट याद हो गया तो आप बचा ही क्या है उसमें। मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी याद करा सकता हूँ बट वो प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे। एटॉमिक नंबर मतलब जैसे कि मैंने 68 बोला तो एरबियम, तो एरबियम का भी आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो, इसी वर्ड से मैं कनेक्ट करके बता सकता हूँ बट वो ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एलिमेंट याद करिए, जिस दिन एलिमेंट याद हो गया आप मुझे कमेंट करिए, सर एटॉमिक नंबर याद करा दीजिए, मैं एटॉमिक नंबर आपको एटॉमिक वेट मैं आपको याद करा सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। एटॉमिक वेट इसके साथ आप बता सकते हो पॉइंट में। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई सारी चीजों की, इसका भी आप बताएंगे और इसका भी आप बताएंगे दो, और प्लीज कमेंट करिए, जरा कमेंट करते हो मैं भी देखता हूँ कि चीजें आपको समझी नहीं समझी, आप आधा वीडियो देखते हैं फिर कमेंट नहीं करते तो उस चीज का कुछ मतलब नहीं निकलता है, इससे अच्छा आप देखिए मत। ठीक है, अगर चीजें आपको देखनी है, समझनी है, रियल में पढ़ना है तो प्लीज चीजें आप इसको समझिए, नहीं गलत ही लिखिए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा, सुधारूंगा, बट आप लिखना जरूर, कमेंट करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी आपको कमेंट करूंगा, बताऊंगा कि चीजें रॉन्ग है या सही है। अगर आप देखते हैं सबसे पहले इन दोनों में से मुझसे भी अच्छा कौन बना के दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 66 दिया हुआ है, इसका जज भी बनता है। ठीक है, जज, अब यहाँ पे जज की स्पेलिंग देखिए, जज, ये जज की स्पेलिंग होती है बट मैंने जज ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जज क्या होता है हमारा, ये मैं इसको जज अभी क्यों, क्योंकि हमको माइंड में सेट करना है तो 66 दिया तो जज। ठीक है, चलिए हम जज से सॉल्व करते हैं, चाचा से आप बना के दिखाइए मुझे, हमें मैं आपको एक जज से बता देता हूँ, जज
जज मतलब न्यायालय जज, ठीक है, जो हमारा जज होता है। नेक्स्ट 51 लड्डू, अब आइए फटाफट इसको मेमोराइज कर लेते हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के अंदर आप देखो 17 के 17 बोल पाते हो कि नहीं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लड्डू दिया हुआ 51 पे, लड्डू लड्डू पे है एंटीमनी। अब कैसे एंटीमनी आ रहा, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि लड्डू आपको खरीदना है, आपका लड्डू फेवरेट है, लड्डू आपको खरीदना है और आप आंटी से पैसे मांग रहे हो, आंटी से पैसे, अपनी बगल वाली आंटी से क्या बोल रहे हो, आंटी पैसे दो मुझे लड्डू खरीदने हैं, तो आंटी से मनी मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, आंटी से मनी, आंटी से आप मनी मांग रहे हो क्योंकि आपको लड्डू खाना है, तो आंटी मनी। नेक्स्ट 52 लायन, चीजें बोलता हूँ इमेजिन करते जाइए, जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा चीजें याद होंगी, जितना ज्यादा चीजें याद होंगी उतना ज्यादा आपका माइंड ग्रोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट लायन, लायन आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के बाजू में लायन बैठा हुआ है, आपने लायन पाला हुआ है और आप उस लायन की टेल को खींच रहे हो, टेल उसकी पूंछ को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, उसकी टेल को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, और जब आप खींच रहे हो तो वो नाराज हो जा रहा है, ठीक है, इतने नहीं तो आप टेल खींच रहे हो, तो आप आपके घर के बाहर आपने लायन पाल के रखा और उसकी टेल पूंछ को क्या करो, जोर से खींच रहे हो, तो टेल टेलोरियम, ठीक है, तो आप टेलोरियम, टेल को क्या करो, खींच रहे हो, टेलोरियम, तो टेल याद है तो टेलोरियम हो जाएगा टेल से। नेक्स्ट 53 लैम, लैम मतलब जो लंगड़ा, तो एक आपका फ्रेंड है वो लैम है, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की कमी होती है तो व्यक्ति लैम हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, लैम हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, तो लैम से क्या हो गया, आयोडीन हो गया। 54 पे क्या दिया हुआ है, लारा दिया हुआ है, अब आप चीजें मेमोराइज करिए फटाफट, लारा, लारा दत्ता, लारा दत्ता आपके घर पे आती है, इमेजिन कीजिए लारा दत्ता आपके घर पे आई और बोलती है जा नाना को बुला, किसको बुला, नाना को, जा अपने नाना को बुला, तो सिर्फ आप जा नाना याद करिए, जा नाना को बुला, तो जा नाना को बुला मतलब झनौन, जा नाना झनौन, जा अपने नाना को बुला, झनौन हो गया। 55 पे लालू दिया हुआ है, लालू, लालू हर बार जेल में चले जाता है बट उसको सीजीएम, सीजीएम हर बार छुड़ा लेता है, कौन छुड़ा लेता है, सीजीएम, तो सीजीएम से क्या हो गया, सीजीएम, ठीक है, सीजीएम या सीजीएम पढ़ो, ठीक है, सीजीएम, तो उसको कौन छुड़ा लेता है हर बार, सीजीएम वाले छुड़ा लेते हैं लालू को, वो बार बार जेल जाता है, उसको लालू को कौन छुड़ा लेता है, सीजीएम वाले उसको हर बार छुड़ा लेते हैं, तो इस तरह से आपको चीजें याद करना है, या आप कुछ और भी वर्ड अगर बना सकते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सीजीएम मुझे लगता है कि आप बच्चे भूल जाएंगे कि सीजीएम था कि क्या था, अगर आपको इससे अच्छा वर्ड है तो आप बताइए, ठीक है, या तो आप मोर देन प्रैक्टिस करिए, फटाक से चीजें याद होंगी, इतना तो मैं गारंटी लेता हूं कि दूसरी जितनी भी ट्रिक है उससे कम समय लेती है ये ट्रिक और उनसे ज्यादा समय तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट सीजीएम, सीजीएम हो गया। नेक्स्ट लोज दिया हुआ 56 पे, लोज, तो आपका लोज, आपके आपके लोज में आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा बैर का पेड़ है, किसका, बेर का, बैर जानते हो, आपके लॉज पे बहुत बड़ा बैर का पेड़ है, तो बेरियम, किसका पेड़ है, बैर का, तो बेरियम। 57 पे लॉक, लॉक का आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर के बाहर इतना बड़ा ताला लगाते हो, इतना बड़ा ताला आप देखे हो, तो लॉक, इतना बड़ा लॉक लेंथ, आपके घर की जो लॉक है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इतना बड़ा ताला उसकी लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, तो क्या बड़ी है, लेंथ बड़ी है, तो लेंथनम, ठीक है, लेंथनम, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो लेंथनम हो गया। लव 58 पे लव, अब जब मैं 58 सोचता हूँ तो मुझे लव याद आता है, लव, मुझे लव वाले सीरियल देखने बहुत ज्यादा पसंद है, रियलिटी है, मुझे लव वाले सीरियल देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो लव वाले सीरियल, क्या सीरियल मुझे पसंद है, तो सीरियम, मुझे क्या पसंद है, लव वाले सीरियल। आप भी ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपको आज से ज्यादा, सबसे ज्यादा लव किसको है, किससे है, लव वाले सीरियल से, तो सीरियम, ठीक है, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, बार बार इमेजिन कीजिए। 59 पे लैब, आप लैब में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने लैब में बहुत अच्छा काम किया जिसके वजह से वहां के टीचर ने आपको बेस्ट प्राइज दिया हुआ है उस लैब का, क्यों, क्योंकि आपने उस लैब में सबसे अच्छा काम किया हुआ, तो आपको क्या मिला है, प्राइज, ठीक है, आपको क्या मिला, प्राइज, तो क्या हो जाएगा, प्रिसियोडिमियम, ठीक है, प्रिसियोडिमियम, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, प्रिसियोडिमियम। नेक्स्ट या प्रिसोडाइमियम, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो अलग अलग भी आप कर सकते हो। 60 पे चेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चेस, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप नया नया चेस लाए हो और उस चेस को नए डब्बे में रख रहे हो, किस में रख रहे हो, नए डब्बे में। अब देखो यहाँ पे जब मैंने नया डब्बा याद किया तो मुझे एक चीज और याद आ गया, क्या याद आया, कल मैंने बताया था कि रेट 41 मैं न्यू बम ला के रखा था, न्यू बम,
न्यूबियम, तो न्यूबम लाके रखा था, रेड ने खराब कर दिया, तो रेड किससे बनता है, 41 से 41 पे रेड, रेड ने क्या कर दिया, खराब कर दिया न्यूबम, न्यूबियम, तो 41 पे कौन सा एलिमेंट है, इस तरह से। तो अब मैं कभी भी बैठा रहता हूँ तो मुझे अलग अलग चीजें याद आती है, इस तरह से आपको भी आनी चाहिए। जैसे मैं बैठा हूँ तो अगर मैं सुना साइंस, या किसी का नाम सुना कि नवीन, किसी का नाम होता है नवीन, तो नवीन से मुझे याद आता है साइंस डे, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा इमेजिन किया होता, मैंने पढ़ाया था कि सबसे नवीन एक ऐसा लड़का है जो सब सब्जेक्ट में जीरो पाता है पर साइंस में हमेशा आउट ऑफ मारता है, तो किस तरह से चीजें याद आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब ग्रैमी अवार्ड मुझे याद आ गया, ठीक है, प्लेयर्स देखता हूँ तो मुझे क्या याद आता है, भारत रत्न याद आ जाता है। तो इस तरह से चीजें आपको भी, जब आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें जब सराउंडिंग में आप देखेंगे तो अपने आप वो प्रैक्टिस होती है, अपने आप प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आइए नेक्स्ट करते हैं। चेस को आपने किसमें रखा, न्यू डब्बे में रखा, किसमें रखा, न्यू डब्बे में, तो क्या हो जाएगा, नियोडिमियम, ठीक है, न्यू डिमियम डब्बे में रखा, न्यू डायमियम या नियोडिमियम, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू डब्बे में रखा किसको, चेस को आपने न्यू डब्बे में रखा। नेक्स्ट, 61 जेड दिया हुआ है, 61 से जेड बनता है, तो आप प्रमोशन, आपका प्रमोशन हो गया और आप प्रमोशन के लिए जेट से जा रहे हो, जेट प्राइवेट जेट है आपके पास, जेट से जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, प्रमोशन के लिए जा रहे हो, तो प्रोमिथियम, ठीक है, प्रोमिथियम, आप किसके लिए जा रहे हो, प्रमोशन के लिए जा रहे हो, तो प्रोमिथियम। नेक्स्ट दिया हुआ 62, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जेट से जा रहे हो प्रमोशन के लिए, तो प्रोमिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 से बनता है गन, क्या बनता है, 62 से बनता है गन, तो आपके गोल, आपके फ्रेंडशिप में समीर एक ऐसा लड़का है जिसके पास गन है, जिसके पास क्या है, गन है, तो क्या हो जाएगा, समैरियम, ठीक है, समीर एक ऐसा लड़का है जिसके पास गन है, तो समैरियम हो जाएगा, समीर, यहाँ से वर्ड बनता है समीर, देखिए समैरियम। और यहाँ पे रियम, रियम बहुत सारा, मियम, मियम, रियम, ये सीएम, नॉन डीएम, रियम, ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो सीएम, नियम, डीएम सब ऐसे बनते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। और एक चीज, अगर आपको इस ट्रिक पे भरोसा नहीं है तो अदर ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करेंगे, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से ये ट्रिक बहुत ज्यादा किफायती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 55 आपको सीधा सीधा नंबर से सीधे एलिमेंट याद आ रहे हैं, बाकी आप सॉन्ग से करेंगे तो सॉन्ग वाला तो सॉन्ग पढ़ते चले जाएंगे, जितना देर में सॉन्ग याद करो उतनी देर में तो एलिमेंट याद कर लोगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, गन हो गया। अब 63 पे दिया हुआ जैम, क्या दिया हुआ है, जैम, तो 63 पे जे दिया हुआ है, 3 पे एम दिया हुआ है, अब आप इमेजिन करिए जैम, ठीक है, तो यहाँ पे गन हो गया जैम। आप खुद, आपके पापा जो है वो आपको हमेशा यूरोप से जैम लाके देते हैं, अब आप कभी भी जैम सुनेंगे तो आपको यूरोप याद आना चाहिए, आपको आपके पापा कहाँ से जैम लाके देते हैं, यूरोप से लाके देते हैं, कहाँ से लाके देते हैं, यूरोप से आपको जैम लाके देते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है, तो आपको जैम कहाँ से लाके देते हैं, यूरोप से, कौन लाके देता है, आपके पापा आपको यूरोप से जैम लाके देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 64 जार दिया हुआ है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पापा जो है यूरोप से आपको जैम लाके दे रहे हैं, 64 पे जार दिया हुआ है, जार पे दिया हुआ है गैडोलिनियम, अब याद रखिए गैडोलिनियम को गॉड, यहाँ पे वर्ड आता है गॉड, क्या आता है, गॉड, तो 64 पे आपने जार, आपके पास एक जार है और उस जार में आपने गॉड को डाल के बंद करके रखा है, आपने उस जार में क्या रखा है, गॉड भगवान को डाला है और ऊपर से बंद किया हुआ है, किसको डाल के रखा है आपने, गॉड को, किसमें, जार में, एक जार है आपके पास और उसमें आपने गॉड को डाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट 65 से बनता है वर्ड जेल, तो जेल, जेल आप समझिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपको जेल में बंद किया गया है और आप जेल में बंद बंद कर बैठे हो और टर टर बोल रहे हो, कैसे, टर टर, जैसे मेढक बोलता है उस तरह से आप भी क्या कर रहे हो, टर टर बोल रहे हो, तो टर्बियम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्बियम, 65 से जेल, जेल में बैठ के आप क्या कर रहे हो, टर टर कर रहे हो, तो टर्बियम, देखिए कितना ज्यादा कॉमेडी इमेज है, आपको ये चीज याद रहेगी, बाकी नहीं तो ये तो याद ही रहेंगे, ठीक है, टर्बियम। नेक्स्ट 66 पे जज, आपके खिलाफ जज ने गलत फैसला सुना दिया और आपको आया गुस्सा और आपने डिस्क वहीं पे रखा था साइड में, डिस्क, आपने उस डिस्क को उठाया और फेंक के मारा किसको, जज को, ठीक है, जज के मुंह पे लग गया, आपने खींच के मारा, क्या, डिस्क मारा, डिस्क मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्रोजियम, क्या फेंक के मारा, डिस्क मारा, तो डिस्क से सर पे लगा उनके, तो हो गया डिस्प्रोजियम, ठीक है। 66 पे जज, 67 पे चेक, आपने एक कंपनी में बहुत दिन तक जॉब किया और उस कंपनी वाले ने आपको दिया चेक, 1.5 लाख का चेक दिया और था चेक में होल, चेक में था होल, तो चेक चले गए नहीं, और जब आप बैंक में गए तो बैंक वाले ने ऐसा चेक देखा और ऐसा किया तो उसमें होल था, बताइए क्या है, तो होल है, इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो चेक में क्या था,
होल्मियम होल था तो क्या हो गया होल्मियम होल था ना तो होल्मियम हो गया 68 जीएफ आपकी जीएफ है ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी जीएफ है ठीक है और आपकी जो जीएफ है वो अरबियम है क्या है अरबियम या अरे अरे अरब से आई हुई है इस तरह से भी आप याद कर सकते हो चीजें किसी भी तरह से याद कर सकते हो ठीक है अरब है अरब से आई है तो क्या हो जाएगा अरबियम ठीक है इस तरह से चीजें आपको याद करनी है 68 आपकी जीएफ ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो कहां से है अरब से है तो क्या हो जाएगा अरबियम नेक्स्ट 69 जीप दिया हुआ है जीप जीप तो ऐसा इमेजिन कीजिए ऐसा इमेजिन मत करिए सुनिए पहले सुनिए तो आप जीप पे जब भी बैठ के कहीं से दूर घूम के आते हो तो जीप पे पूरा धूल धूल हो जाता है धूल धूल या धूल धूल चलेगा ठीक है धूल धूल हो जाता है आपके ऊपर भी पूरा धूल धूल हो जाता है क्या हो जाता है धूल धूल हो जाता है तो क्या हो जाएगा थूलियम क्या हो जाएगा थूलियम या फिर आप ऐसा थूल कर दीजिए थूल थूल धूल हो जाता है ठीक है और कॉमेडी बन गया ना ये धूल धूल होता है बट हम उसको थूल थूल पढ़ रहे तो कॉमेडी हो गया तो आप जीप जैसे 69 सुनेंगे आपको आएगा जीप यार तो आप जीप में बैठ के पूरे राउंड में आपने घूमा अब जब आपने पूरा राउंड घूमा तो पूरी गाड़ी पे धूल धूल हो गया थूल थूल हो गया तो थूल से क्या हो जाएगा थूलियम नेक्स्ट 17 केस दिया हुआ यटरबियम ये आप मुझे बनाएंगे और कमेंट करेंगे ये तो मैंने बता दिया एक ही मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि आप कमेंट करते नहीं है तो एक ही मैंने बताया आपको एक ही बताया ठीक है एक ही छोड़ा हुआ है 17 केस यटरबियम कैसे एटरबियम किस तरह से बनेगा आप मुझे कमेंट करेंगे ठीक है तो ये हो गए 20 देखिए मात्र 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट के अंदर आपको ये चीजें याद हो गई ठीक है तो आइए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीजें फिर से आपको फटाफट याद हो जाए ठीक है तो देखिए अब दिया हुआ है याद करिए 51 पे क्या है लड्डू लड्डू आप किससे मांग रहे हो आंटी से पैसे मांग रहे हो तो एंटी मनी आंटी से पैसे मांग रहे हो एंटी मनी आंटी से पैसे मांग रहे हो किसलिए लड्डू के लिए 52 पे क्या दिया हुआ है लायन लायन का आप क्या कर रहे हो टेल खींच रहे हो तो टेलोरियम हो जाएगा 53 पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 53 पे क्या दिया लैम तो लैम लैम आदमी जो आपका दोस्त है लैम है तो लैम क्यों है क्योंकि उसको आयोडीन की कमी है लारा लारा ने लारा दत्ता आपके घर पे आई और बोले कि जा नाना को बुला किसको बुला नाना को बुला तो झनान ठीक है 55 लालू लालू को हमेशा कौन छुड़ा लेता है सीजियम सीजियम वाले छुड़ा लेते हैं ठीक है तो सीजियम हो जाएगा 56 पे क्या है लॉज तो लॉज पे बहुत बड़ा आपका क्या है बैर का पेड़ है तो बेरियम ठीक है 57 पे क्या है लॉक 57 पे क्या है लॉक लॉक का लेंथ क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है लेंथ लेंथनम ठीक है 58 पे क्या दिया हुआ है लव 58 पे लव है तो लव वाले सीरियल आपको देखना बहुत ज्यादा पसंद है ठीक है 59 पे क्या दिया हुआ है लैब तो लैब में आप बहुत अच्छा काम किया तो जब आपने लैब में बहुत अच्छा काम किया तो आपको वहां से प्राइज मिला तो क्या हो गया प्रेसोडेमियम ठीक है लैब में क्या हुआ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्राइज मिला तो क्यों मिला क्योंकि आपने लाइफ में बहुत अच्छा काम किया था तो क्या मिला प्राइज मिला प्रेसोडेमियम चेस 56 पे क्या है चेस को आपने किस में रखा न्यू डब्बे में तो न्यूडीमियम ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ 61 जेट आप प्रमोशन के लिए किस में जा रहे हो जेट में जा रहे हो तो प्रोमिथियम हो जाएगा 62 में गन आता है गन किसके पास है आपके फ्रेंड सर्कल में सिर्फ समीर के पास है 63 क्या है जैम है तो जैम आपके पापा कहां से लाते हैं यूरोप से लाते हैं 64 पे दिया हुआ जार तो जार पे क्या है आपने जार में गॉड गॉड को बंद करके रखा है इमेजिन कीजिए गॉड को बंद कर सकते हो डब्बे में नहीं बट आपने जार में किसको बंद करके रखा है गॉड को रखा हुआ 65 में जेल आता है जेल में आपको बंद किया गया और आप वहां पे टर टर कर रहे हैं 66 पे जज दिया हुआ है जज ने आपको गलत फैसला सुनाया आपने डिस्क पे के मारा तो डिस्प्लोजियम हो जाएगा ठीक है फिर 67 पे क्या है चेक है चेक में क्या है होल है तो होलमियम ठीक है 68 पे जीप दिया हुआ आपकी जीप कहां से है अरब से है अरबियम है 69 जीप है 69 पे जीप है तो जीप जब इधर उधर घूमती है आप जीप पे बैठ के पूरा सराउंडिंग घूम रहे हो घूम के आते हो तो पूरे जीप पे और आपके बदन पे क्या है धूल धूल हो गया है धूल से थूलियम थूलियम हो गया यटरबियम 17 पे यटरबियम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो ये हो गए प्रैक्टिस अब इसके बाद एक बार और इसे आप बोल के दिखाइए और एक बार लिख लीजिए मात्र 3 बार के अंदर से ये पूरा का पूरा 20 हो जाएगा कल का 20 एक बार रिवाइज कर लीजिए 40 हो जाएगा ठीक है 40 एलिमेंट अब आपके आप आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 और बनाते हैं और फिर आप 1 से 30 तक चलेंगे और पूरा
पीरियड टेबल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज शेयर करना मत भूलिए, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको ये चीजें बहुत जल्दी काम आने वाली है और बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे पूरे 12th में एलिमेंट ही याद करते रह जाते हैं, बट याद नहीं होता, वो स्टोरी स्टोरी माइंड से सब निकल जाता है। अगर स्टोरी याद करें, बीच का एक भी चीज गायब हुई तो पूरी की पूरी ब्लॉक की, ठीक है, तो इसीलिए चीजें क्या करिए, आप समझिए पहले, ठीक है, याद करिए, ये ज्यादा सिंपल है, वर्ड से डायरेक्ट वर्ड बनाइए, फटाक से रिलेट करा के बोल दीजिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।